पेटीएम मनी में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे प्ले स्टोर पहुंच जाएंगे, ऐप को ओपन इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद जस्ट अभी आपको यहाँ पर अपना पेटीएम वाले जो अकाउंट है उससे लॉग इन कर लेना, नहीं तो आप न्यू अकाउंट बना लीजिएगा, ठीक है। आई डोंट हैव पेटीएम अकाउंट पर क्लिक करके आप न्यू अकाउंट भी बना सकते हैं। तो मैं अभी मेरे पास पेटीएम का अकाउंट नहीं, तो मैं न्यू अकाउंट बना लेता हूँ। यहाँ पर पेटीएम नंबर डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, फिर कन्फर्म पासवर्ड डालना है, और आपको यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, वेरीफाई करना है। आपको यहाँ पर साइनअप प्रोसेस में आपसे डिटेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल मेल या फीमेल, ये चीज़ें आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर जस्ट आपको यहाँ पे केवाईसी सेक्शन आपको देखने मिलेगा, कंप्लीट ओपन करेंगे आपको केवाईसी सेक्शन आ जाएंगे। इंटर प्योर पैन, पैन कार्ड डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना होगा। डालने के बाद जस्ट अभी आपको यहाँ पे अपना फुल नेम डालना होगा। उसके बाद फिर जस्ट अभी आपको यहाँ पे प्रोसीड विद डिजिटल, यहाँ पे आप लॉकर केवाईसी के सेक्शन में आ जाएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पे टिक मार करके आपको यहाँ पे आधार वाले सेक्शन में क्लिक कर देना होगा, और आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे पूछेगा, आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना होगा। आधार कार्ड नंबर से जो लिंक मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना होगा। और डालने के बाद जस्ट कंटिन्यू वाले सेक्शन में क्लिक करके अलाउ ऑप्शन आएगा, अलाउ कर दीजिएगा। फिर थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे अभी आपको ये आपका जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है। होने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंस्टेंट आपके यहाँ पे केवाईसी हो चुकी है। और फिर जस्ट आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, जैसे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पूछेगा, मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है, सिंगल है, मेल है, क्या है, पूरे वो सब पूरी डिटेल डाल देना है। डालने के बाद जस्ट अभी आपको यहाँ पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद जस्ट अभी आपको यहाँ पे जितनी चीज़ें नॉमिनी डिटेल्स है, ठीक है, कम्युनिकेशन है, बैंक अकाउंट है, ये सब चीज़ें डिटेल्स आपको डाल देना होगा। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना हो जो आपके पैन कार्ड पे, वही सेम सिग्नेचर आप करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना होगा, ठीक है। जहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करके आपको एक पेज पर लिख लेना होगा और बिल्कुल क्लियर लिख के और क्लियर एक फोटो अपलोड कर देना है। तो इस टाइप के आप चाहें तो यहाँ पे आप सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं। सिग्नेचर करने के बाद एज अ सेव वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, अपलोड योर फोटो वाले ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपलोड योर फोटो वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। जस्ट अपनी एक सेल्फी लेंगे, सेल्फी लेने के बाद जस्ट अभी आपको जो सेल्फी होगी बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, क्लियर फोटो आना चाहिए, ठीक है, और उसका सेव वाले सेक्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे जस्ट अभी आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स में आ जाएंगे, तो नॉमिनी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अपनी जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहें डाल सकते हैं, ठीक है। उसका नॉमिनी अगर आप नहीं बनाना चाहते तो अनटिक भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे देख रखा है। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना होगा, डालने के बाद जस्ट अभी आपको यहाँ पे ईमेल से वेरीफाई करना होगा, तो ईमेल पे एक वेरीफिकेशन कोड आया होगा, उसको आप डालेंगे, डालने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप यहां पे सेव वाले सेक्शन क्लिक करेंगे हो जाएगा। उसका फिर अभी आपसे पूछेगा बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए, तो यहां पे कोई भी आप बैंक अकाउंट यहां पे ऐड कर सकते हैं। यदि मैं यहां पे एचडीएफसी बैंक, यहां पे आईएफसी कोड मैं डाल रहा हूं, डालने के बाद यहां पे अकाउंट डिटेल्स मैं यहां पे डालूंगा, अपना अकाउंट नंबर डालूंगा। डालने के बाद यहां पे करंट सेविंग आपको सेलेक्ट कर देना होगा। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट अभी आपको यहां पे वेरीफाई वाले सेक्शन, प्रोसीड का सेक्शन देखने मिलेगा नीचे, वो वाले प्रोसीड वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद जस्ट अभी आपको यहां पे बैंक जो अकाउंट प्रूफ है वो आपसे मांगेगा। यदि आपके पास कैंसिल चेक है तो अपलोड कर सकते हैं, यदि आपके पास बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट है तो उसको भी आप यहां पे अपलोड कर सकते हैं। तो आपके पास बैंक अकाउंट स्टेटमेंट निकाल लीजिएगा, निकालने के बाद यहां पे अपलोड कर दीजिएगा। तो मैं यहां पे फ्रेंड्स यहां पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड कर चुका हूं, नेक्स्ट करूंगा। और यहां पे अभी मेरा हो चुका है, यहां पे आपको अनलॉक स्टॉक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट यहां पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करना, आपको पासवर्ड डालना है जिससे आप अपने ऐप को मतलब कि लॉगिन करेंगे। और डालने के बाद जब यहां पे आप इन्वेस्ट कैसे करना है इसके बारे में बताते हैं। पहले पासवर्ड डालिएगा, मतलब जो आप सेट पासवर्ड कर लीजिए जिससे आप ऐप को बार बार लॉगिन एंड लॉगआउट कर सकते हैं। तो यहां पे करने के बाद जस्ट आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इस टाइप का, यहां पे क्लिक करना होगा। और अब यहाँ पे आपका जो केवाईसी है, ठीक है, वो इंस्टेंट केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। पर्सनल डिटेल्स में जो चीज़ें हैं वो डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, थोड़ी देर आपको वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपका जो डिटेल्स है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इस टाइप का आपको यहाँ पे स्टॉक का एक फॉर्म देखने मिलेगा, इसको आपको क्या कंफर्म कर लेना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस पूछेगा, एक्सपीरियंस आपका क्या है, जीरो है, ठीक है। मतलब पर्सनल डिटेल्स में आप जो भी डिटेल्स यहाँ पे पूछता है सभी वन बाय वन आपको डाल के पूरा कंप्लीट कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछेगा, यहाँ पे आपको अपना फोटो जो अपलोड करना है, फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, आप पर्सनल डिटेल देख सकते हैं, सभी चीज़ करेक्ट है, नहीं है, एक टू जेड आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। देखने के बाद जैसे आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपका 24 से 48 आवर्स में आपका यहाँ पे जो अकाउंट है ये कंप्लीट प्रोसेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप चाहते हैं यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑप्शनल लिखा है वहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जितना भी प्रोसेस मैंने कंप्लीट किया, अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस अब यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको मैं बता दूँ कि यदि आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके लिए आपको डायरेक्टली फ्लैट अभी प्रेजेंट टाइम 250 रुपये पेटीएम कैश मिलेगा। और यहाँ पे इन्वेस्ट करना बताते हैं, इन्वेस्ट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको वॉचलिस्ट का ऑप्शन देखने मिलेगा। वॉचलिस्ट वाले सेक्शन में क्लिक करके जस्ट आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद यहाँ पे स्टॉक बाय कर लीजिएगा, और बाय करने के बाद इसको सेल कर दीजिए, इतना कंप्लीट करना है, ठीक है। और साइन यहाँ पे साइन इन जरूर कर लीजिएगा, अलाउ लोकेशन करके साइन इन कर लीजिएगा। आपके नंबर पे, आपके आधार कार्ड नंबर पे एक ओटीपी नंबर डालेंगे आधार कार्ड का, उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे जस्ट यहाँ पे गेट ओटीपी वाले सेक्शन में क्लिक करके यहाँ पे आप कंफर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे जस्ट अभी आपका ये जो साइन इन है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए साइन इन कंप्लीट हो चुका है। होने के बाद जस्ट अभी आपको यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है कि वेल डन, यहाँ पे आपका अकाउंट जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक वहाँ पेंडिंग दिखाएगा, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे इन्वेस्ट स्टॉक कैसे करना है इस चीज़ को हम थोड़ा सा आपको डिटेल से बता देते हैं। यहाँ पे आप इन्वेस्ट स्टॉक वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको वॉचलिस्ट का ऑप्शन देखने मिलेगा, ठीक है। नीचे वॉचलिस्ट वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ
यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड है, ठीक है, गोल्ड इन्वेस्ट है, यहाँ पे ऐसे सभी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आप बाय कर सकते, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो आप कम से कम मिनिमम 100 करिएगा, इसके लिए आप 250 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे यदि आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं दिन तक। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा इन्वेस्ट कैसे करते हैं। इन्वेस्ट वाले सेक्शन में क्लिक किया, यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, कितना इन्वेस्ट आप करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट आप डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको 1000 इन्वेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे 1000 मैंने डाला, ठीक है। यहाँ पे एड मनी, पहले एड मनी कर लेंगे कि आपके अकाउंट में बैलेंस है, पहले हम एड मनी कर लें। एड मनी वाले सेक्शन में क्लिक करने के बाद 1000 पे एड मनी कर लेते हैं, और करने के बाद जस्ट यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे, जो बैंक अकाउंट आपने डिटेल दिया है इसमें उसी बैंक अकाउंट से आपसे पैसे कटने चाहिए। यदि अदर बैंक अकाउंट से पैसे आप कटते हैं तो आपका यह बैलेंस रिफंड कर दिया जाए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस टाइप आपको लिखना होगा और यहाँ पे आप करके आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपको एड मनी कैसे करना। एड मनी करने के बाद यहाँ पे कोई भी स्टॉक बाय करेंगे, और बाय करने के बाद यहाँ पे आप सेल कर देंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मैं बैंक अकाउंट यहाँ पे अपना ऐड कर रहा हूँ, उसी बैंक अकाउंट में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, UPI ID से भी कर सकते हैं, आप अदर ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पैसा यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है। अब यहाँ वॉचलिस्ट वाला ऑप्शन देखने को मिले, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी ITC है या फिर आपका येस बैंक का कोई भी आप स्टॉक यहाँ सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ITC सर्च किया, सर्च करने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, बाय का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बाय वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद स्वाइप टू बाय का ऑप्शन, यहाँ पे क्वांटिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे, कितना का चाहिए। अगर आपका 100 रुपये से कम है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा लेंगे और कर लेंगे, जितनी भी आप क्वांटिटी चाहिए उतना आप कर सकते हैं। करने के बाद जस्ट अभी आपको यहाँ पे बाय कर लिया है, अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर बाय हुआ वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप सेल भी कर सकते हैं, सेल कर देंगे, सेल करने से बैलेंस को विड्रॉल जो टाइम है, विड्रॉल आप सेकंड डे ही कर सकते हैं, फर्स्ट नहीं। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करिए, शेयर के बाकी